तुहानू इस घोटाले की पूरी रिपोर्ट विखाउणी आ किवें इस पूरे घोटाले नू अंजाम दिता जा रहा सीगा ते हुण तक किन्ना घाटा सरकार दे मालिए नू लग चुके है। दावा यह किया गया सी ये जरूरी सी कि असी ज्यादा कवर करिए ताकि सारे साडे परिवार वो जिहड़े अपने आप नू अपनी सेहत नू अपने परिवार की सेहत नू नहीं संभाल सकते सोच नहीं सकती सी उत्थे मेरा इलाज फ्री होया। ए स्कीम साडे लई वरदान है पर हकीकत ए है जदों की स्कीम लागू हुई है इन्हों फायदा हो गया। जोड़ा भी पेशेंट आता कोई इन आउटडोर पेशेंट आता कह के दाखिल कर लेंगे जी तेरा मुफ्त इलाज हो जूगा स्कीम चो भी पैसे ले लेंगे सके उस चो भी पैसे ले लेंगे। साल 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों शुरू की गई सी आयुष्मान भारत स्कीम जिसके तहत निजी हस्पतालों के गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सहूलत दी गई सी। इस स्कीम का पंजाब के वध तो वध लोगों को फायदा मिल सके इसलिए 2019 कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत सरबत सेहत बीमा योजना की शुरुआत की। इस स्कीम के उद्घाटन समय मुख्यमंत्री ने वड्डे वड्डे दावे किए सन कि जदों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम चलाई सी उदों सिर्फ 12% ही पंजाब उहदे विच आउंदी सी। असीं उहदे नाल देखिया कि सारे साडे जिहड़े गरीब परिवार ने उहदे विच नहीं आ रहे। फिर असीं आप सोचिया कि इहनूं असीं वधाईए और वधाउण नाल असीं 14 लाख तों लै के 31 लाख ताईं असीं अडिशनल कर दिता ताकि हुण तकरीबन 46 लाख साडे परिवार या पंजाब का 76% और सिर्फ आपका पंजाब है इधर उत्तर भारत के जिथे इन्ने लोगों नूं असीं इहदे च कवर किया है। दरअसल इस योजना नूं लागू करन दे लई 7% रकम पंजाब सरकार अते 40% रकम केंद्र सरकार वालों दित्ती जांदी है पर इह सरकारी पैसा जां इंज कह लईए जनता का पैसा किस तरह प्राइवेट हस्पताल डकार रहे ने यह वड्डा खुलासा अज असी करन जा रहे हां। सरबत सेहत बीमा योजना नूं पंजाब दे विच शुरू तां कीता गया पर सेहत नूं व्यापार बनाउण वाले प्राइवेट हस्पतालों ने इत्थे भी सिर्फ मुनाफे बारे ही सोचा। पंजाब दे कई अजिहे निजी हस्पताल ने जिन्हां ने स्कीम नूं अपणियां जेबां दी सेहत बनाउण दा जरिया बना लिया एक नवे घोटाले की शुरुआत कर दी। बठिंडा के हैल्थ ते ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर वितुल गुप्ता का दावा है कि पंजाब के कई वड्डे निजी हस्पतालों के सरबत सेहत बीमा योजना के तहत फर्जी फाइलों तैयार की जाएं ने उन्होंने जरिए बगैर इलाज के सरकार तो करोड़ों रुपए हड़प ले जाते हैं। होस्ट फैकल्टीज है कि बठिंडे तो डॉक्टर जाते हैं हाजिरी लगा के आ जाते हैं पैसे लेंदे उत्थे पढ़ाते नहीं है सो इस किस्म नाल ही ओपीडी दे इनफ्लेटेड पेशेंट्स हैगे है इनडोर च जिहड़े हैगे आ पेशेंट डमी पेशेंट दिखाते हैं डमी फाइलां बनदियां कट्स एंड कमीशन हैगा जिहड़ा रेडियोलॉजी सेंटर चलता है उत्थे कट्स एंड कमीशन हैगे सो कई घपलेबाजियां बारे मैं पंजाब मैडिकल काउंसिल नूं लिखिया। तो हुण असीं तुहानूं दिखाने आ कि प्राइवेट हॉस्पिटल किस मोडस ऑपरेंडी दे तहत काम कर रहे ने। डॉक्टर वितुल गुप्ता के मुताबिक 3 तरीकों नाल निजी हस्पताल सरकार नाल करोड़ों रुपए की ठगी मार रहे सन। नंबर 1 गरीब मरीजों का इलाज ना करके मरीजों की फर्जी फाइलां बनाईआं जांदीआं ने अते उहनां दे आधार ते सरकार तो बीमे के पैसे ले लए जांदे ने। नंबर 2 गरीब मरीजों का इलाज तो किया जाता है पर उहनां नूं सरबत सेहत बीमा योजना का लाहा नहीं दिता जाता सगों इलाज की पूरी कीमत मरीज तो वसूली जाती है और फिर सरकार कोलों भी योजना के तहत पैसे ले ले जाते हैं जिस नाल दुगना मुनाफा कमाया जाता है। ओपीडी के विच आने वाले मरीजों की मामूली बीमारी वड्डा दस के झूठी बीमारी दिखा के इलाज के नाते
बीमे तो लखा रुपए वसूले जाते हैं। आयुष्मान भारत बहुत प्रेस्टीजियस स्कीम है गरीबों वास्ते, भी उहदे विच भी घपला हुंदा है, उहदे मरीजों तो भी डबल डबल पैसे लिते जाते हैं, या मरीज़ हुंदे नहीं है। इन्हां नूं इह भी फायदा हो गया, पहलां तां इह किराए ते मरीज लियांदे सीगे MCI दा क्राइटीरिया पूरा करन वास्ते, कि MCI ने जी इन्ने पेशेंट मिनीमम करने, इन्हां नूं किराए ते लियाने पैंदे सी या डम्मी फाइलां बनानियां पैंदियां सीगियां। जदों दी इह स्कीम लागू होई है इन्हां नूं फायदा हो गया, जिहड़ा भी पेशेंट आंदा सीगा कोई इन आउटडोर पेशेंट आता से उन्होंने कह के दाखिल कर लेंगे जी तेरा मुफ्त इलाज होजूगा इस तरह होजूगा, या जिहड़ा दूजा इलाज वाला पेशेंट आता सीगा उहदे तो डबल पैसे लै लेंदे सीगे, स्कीम चो भी पैसे लै लेंदे सीगे, उस चो भी पैसे लै लेंदे सीगे। हैरानी की गल है कि डॉक्टर वितुल गुप्ता ने इस गोरख धंधे की शिकायत पंजाब मैडिकल कौंसल और इंडियन मैडिकल कौंसल तक की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तो बाद डॉक्टर गुप्ता वालों आयुष्मान भारत स्कीम के CEO नूं एक चिट्ठी लिख के बठिंडा के आदेश मैडिकल कॉलेज विच कीती जा रही धांधली की शिकायत की, जिस ते कार्रवाई हुई। इंदू भूषण जी ने पंजाब वालों नूं चिट्ठी लिखी, मैं भी पंजाब वालों नूं रीप्रजेंट किया सीगा, उन्होंने प्रिलिमिनरी इनकुआयरी करके जो लोकल मैडिकल कॉलेज हैगा इन्हों वॉच लिस्ट पर लिखता, इन्हों चिट्ठी इशू करती कि थोनू वार्निंग दी जाती है कि आहे डिस्क्रिपेंसीज हैगियाँ, घाटा हैगियाँ आयुष्मान भारत च, तो ये तुसी ध्यान रखो। मैनू भी चिट्ठी आई उन्होंने कि असी वॉच लिस्ट पर रख्या, मैं उन्होंने वापस लिखा, मैं कहा जी वॉच लिस्ट पर लिखन का कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसी मरीज़ नू टैलीफोन करो 2 मिनटा च पता लग जू तो पैसे लिते कि नहीं लिते है। उन्होंने वापस इन्हों के दोबारा इनकुआयरी करा के तो कुछ केस उन्होंने डिस्क्रिपेंसी पाई, जिहड़ी उरे डॉक्टर मनिंदर सिंह हैगे है SMO, वो भी खुशकिस्मती नाल बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी ते इन्हां नूं डी लिस्ट करता। ये कार्रवाई तां कॉलेज ते हुई, पर पंजाब दे विच अजिहे कई होर प्राइवेट हस्पताल ने जो लगातार सेहत दे नाम ते अजिहे गोरख धंधे चला रहे ने, उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करन दे विच पंजाब सरकार किस तरह नाकाम हुई, अजिहा करन पिछे की वजह सी, ये सारा कुछ भी तुहानूं अगे दसांगे।